एथर निर्वाचन रही घरे थाई भोट देवार सुविधा। हाँ दर्शक बंधु, शुणा को आश्चर्य लगुले कथाटी सत। भारत निर्वाचन कमिशनर केवल केतेक निर्दिष्ट व्यक्ति मानू घरे रही भोट देवार सुविधा विषय कही आई समस्त प्रकार सुविधा घरे जोगाइ दिजी जमापड़ी। तेब आसतु जाणिनवा क्यों घरे थी भोट दे पारे। तेबे दर्शक बंधु, पाखे आसुची देशरे साधारण निर्वाचन, तासह ओडिशारे मध्य विधानसभा निर्वाचन हेबापाई जाउची, जेउथिपाई भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशनर तारीख घोषणा करी सारिछंती। किंतु दर्शक बंधु, आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे, एथर निर्वाचन एहार पूर्व निर्वाचन ठारु किछि अलगा हेबापाई जाउची। कारण एथर निर्वाचन समय रे अनेक किछि पुराना नियम नुआ नियम रे रूपांतरण होई जाइछि, अनेक किछि नियम बदली जाइछि। तेणु आमे माने भारतर समस्त नागरिक एही नुआ नियम विषय रे जानि नेबार आवश्यकता रहिछि। देशरे एबे निर्वाचनी पर्व आरंभ होई सारिछि, जेउ पर्व रे भारतर पाखापाखि 100 कोटी लोक सामिल हेबा पई जाउछन्ती। तेबे निर्वाचन कमिशन कहिछन्ती 85 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्तिक ठारु घरु थई भोट ग्रहण करा जिवो, अर्थात जेउ व्यक्ति मानकर वयस 85 वर्ष किंबा ताठारु अधिक रहिछि, सेमाने चाहिले निज घरे रही भोट दे पारिबे। तेबे उक्त मतदाताक इच्छाधीन व्यापार रहिबो जे सेमाने घरे किंबा बूथ रे भोट देबे, अर्थात सेमाने जोठे इच्छा करिबे सेठे भोट दे पारिबे। जदि सेमाने भोट केन्द्र को जाइ भोट देबार सक्षम थिबे तेबे सेमाने घरु जाइ भोट दे पारिबे, किंतु जदि सेमाने भोट केन्द्र को जिबा पई अक्षमता प्रकाश करिबे तेबे तांको घरे भोट दबा पई समस्त व्यवस्था करा जिवो। सेथिपई स्वतंत्र सुविधा करा जायथिबा कहिछंती निर्वाचन कमिशन। तेबे प्रेस मीट करी निर्वाचन कमिशनर कहिछंती देशरे मोटो 97 कोटी नागरिक पंजीकृत भोटर हिसाब रे रहिछंती। 97 कोटी भोटर को पई पाखापाखि 10 लक्ष रु अधिक पोलिंग बूथ व्यवस्था करा जायछि। तेबे भोट ग्रहण पई 1.5 कोटी पोलिंग ऑफिसर प्रस्तुत रहिछंती, आउ भोट ग्रहण पई प्रस्तुत रहिछि 55 लक्षटी ईवीएम। तेबे समस्तंकु भोट देबापई मुख्य निर्वाचन कमिशनर अनुरोध करिछंती, निज मन पसंद प्रार्थी बाछिबापई समस्तंकर अधिकार रहिछि, तेणु निजर अधिकार को सब्यस्त करंतु आउ भारत को आगे नियंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ कलिंगा।